हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ट्यूलिप टिप्स फॉर यू। दोस्तों, आप जो मेरा फ्लावर टावर देख रहे हैं, ये है रेलवे क्रीपर का प्लांट, जो कि गर्मियों में बहुत ही सुकून देने वाला प्लांट है। इसकी हरी हरी पत्तियां तो गर्मियों में अपनी आंखों को ठंडक देती है, साथ में इसमें लेवेंडर कलर के ये फूल देखिए, आप बैंगनी कलर के बहुत खूबसूरत लगते हैं। और अभी तो गर्मियाँ शुरू हुई हैं, ये पूरी गर्मियाँ यानी नवंबर तक आपको ये इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग देखने को मिलेगी। तो आज मैं इस वीडियो में आपको ये बताने वाली हूँ कि ये फ्लावर टावर जो है, ये मैंने कैसे बनाया है, और इस प्लांट की केयर के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, ये बारहमासी पौधा है, आपको बारह महीने आपकी अगर एक बार आप ले आएंगे तो ये कभी भी आपसे रूठेगा नहीं, यानी आपसे कभी नाराज़ नहीं होगा, आपके गार्डन में हमेशा महकता रहेगा। तो दोस्तों, मैंने भी इसको कटिंग से लगाया है, आप इसको कटिंग से लगा सकते हैं या फिर आप इसको सीड से लगा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले इसको लगाना। आप जो देख रहे हैं, ये मेरे गार्डन में मिड में पड़ा रहता था हमेशा, और ये पुराना प्लांट हो गया, इसमें बहुत सारी खरपतवार, बहुत सारी घास उगाई थी। तो आज मैं इस पौधे को बिल्कुल नया लुक देने वाली हूँ और इसमें मिट्टी चेंज करने वाली हूँ। ये देखिए आप, मेरा पौधा जो पुराना पौधा था, बहुत पुराना हो गया और बहुत सारी रूट्स इसमें हो गई थी, तो ऊपर की तरफ रूट्स आ गई और बहुत सारी इसमें घास उगाई। तो मैंने सोचा कुछ नया लुक दे देते हैं इसको, तो मैंने इसकी सारी घास निकाल करके इसकी मिट्टी मैंने चेंज की। ये इतनी घास मैंने इसी में से निकाली है, और मिट्टी में मैंने मिलाया है 40% गार्डन सॉइल, 40% खाद और 20% सैंड। इन तीनों का मिक्सचर करके मैंने इसमें मिट्टी को भर दिया है, और साथ में लगा दिया ये पाइप का टुकड़ा जो कि मेरे पास पड़ा था। बच्चों के खिलौने का ही ये चीज़ है सारी। नीचे जो आप बाथ टब देख रहे हो, ये भी बच्चों के बाथ टब हैं, और ये ख़राब हो गया, इसमें से हवा निकलने के बाद में किसी काम का नहीं रहा, तो मैंने इसमें प्लांट लगा दिया। 3 साल से मेरे ये चल रहे हैं। तो चलिए अब इस बेल को वापस इसी में लगा देते हैं, इसी में से मैंने निकाला था और इसमें से लगा देंगे। ये देखिए, पूरी जो नीचे वाली रूट्स हैं वो सारे इसमें अंदर दबा देंगे, बाकी सारा हिस्सा हम बाहर रखेंगे, और जो सूखी सूखी ब्रांचेज हैं उनको हम हटा देंगे, क्योंकि प्लांटर की गहराई कम है लेकिन चौड़ाई सफिशियंट है। ये पौधा बिल्कुल छोटी सी जगह में भी लग जाएगा, अगर आप इसको गमले में लगाएंगे तो गमले में भी आसानी से उग जाएगा और बहुत लंबे तरीके से फैल जाएगा। और गर्मियों में यानी कि मार्च अप्रैल से इसमें फ्लावरिंग आना स्टार्ट हो जाती है, जो लगभग नवंबर तक रहती है। बहुत सुंदर सुंदर लेवेंडर कलर के इसमें फूल आपको देखने को मिलेंगे, और इसकी पत्तियों की सुंदरता भी दोस्तों बहुत है। ये देखिए, अभी तो बिल्कुल उजड़ा हुआ सा लग रहा है, तो मैंने इस जो पाइप लिए इसके सहारे सहारे इसको लगा दिया है, और जो सूखी सूखी ब्रांचेज मुझे दिख रही हैं इनको मैं कट कर दूंगी, कुछ आज करूंगी, कुछ एक दो दिन बाद में करूंगी, और फिर देखते हैं इसके 1-1.5 महीने बाद का रिजल्ट। तो दोस्तों, आपको केयर इसकी विशेष नहीं करनी है, क्योंकि ये कम केयर वाला प्लांट है। इसको बस आप थोड़ा सा मॉइस्ट रखिए, यानी कि जब भी ये ऊपर की मिट्टी आपको सूखी नजर आए आप इसमें पानी दें, और ध्यान रखें ये लो लाइट प्लांट नहीं है, इसको फुल धूप चाहिए, यानी कि आप इसको फुल सनलाइट में रखिए। बहुत ज़्यादा सनलाइट होगी तो ये मज़े से बड़े बड़े फ्लावर्स देगा, अगर आप इसको छाया में रख देंगे तो इसकी फ्लावरिंग कम होगी। तो चलिए इसको पूरे इसके सहारे सहारे लगा देते हैं, ताकि इसका एक अच्छा सा लुक आए। दोस्तों, मेरे पास ये पाइप का टुकड़ा पड़ा था, आपके पास कुछ भी ऐसी कोई चीज़ हो, तिकोनी हो, गोल हो, वो आप चीज़ें सेट करके वैसे ही आप ये टॉपियरी या आप मैं कहूँगी जो फ्लावर टावर है ये बना सकते हैं। मैं घर में जो भी कबाड़ होता है, वेस्टेज होता है, उनको प्लांट्स में कहीं ना कहीं यूज़ करने की कोशिश करती हूँ। तो ये बच्चों का जो झूला होता है वो होता है, और उससे ये मैंने निकाल ली और इसमें लगा दिया। अब मैं इसमें दे देती हूँ पानी, एक बार मैं पानी बिल्कुल अच्छे से दूंगी। इसमें मैंने नीचे होल किए हुए हैं, और फिर देखते हैं इसमें लगभग 1-1.5 महीने बाद का रिजल्ट कि क्या रहता है। ये काम मैंने किया है फरवरी के फर्स्ट वीक में, और चलिए दिखाते हैं आपको कुछ दिन बाद। ये देखिए, ये आप देख रहे हैं लगभग 2 महीने होने को आ गए हैं और मेरा फ्लावर टावर बन करके तैयार है। और अभी तो दोस्तों ये शुरुआत है, जैसे जैसे गर्मियाँ पड़ेगी, जैसे जैसे बारिश आएगी, वैसे वैसे इस पौधे का यौवन देखने को आपको प्राप्त होगा, और मैं दिखाऊंगी आपको इस प्लांट में इतने सुंदर सुंदर फूल, ये प्लांट पूरा फूलों से भर जाएगा। लेकिन आपको सनलाइट का ध्यान रखना है, अच्छी सनलाइट हो, अच्छा इसमें आप पानी दें, आपको मिट्टी सोगी नहीं रखनी है, जब भी इसकी मिट्टी सूखे तब आप इसमें पानी दें, तो आपको ये आइपोमिया का जो प्लांट है ये कभी भी निराश नहीं करेगा, बेहद सुंदरता से आपके गार्डन में ये लगा रहेगा। और दोस्तों, आप इसको छोटी से छोटी कटिंग यानी 3-4 इंच की कटिंग से भी लगा सकते हैं,
और ये जो फ्लावर्स के नीचे जो सीड पॉट बनते हैं उन सीड से भी आप ग्रो कर सकते हैं। आप सोचेंगे कि मैंने इतनी मेहनत क्यों की, मैंने मेहनत इसलिए की क्योंकि अगर मैं छोटी सी कटिंग लगाती तो उसको इतना टावर बनने में बहुत टाइम लग जाता, और ऐसे 1.5 महीने में ही मेरा ये फ्लावर टावर बन करके तैयार है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।